लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होने के बाद चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सुंदरगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल है। देश को कांग्रेस और उससे निकली हुई पार्टियों के सामने एक मजबूत विकल्प देने का काम बीजेपी ने किया। राज्य की नवीन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव ओडिशा की बीजेडी सरकार कर रही है, ऐसा ही भेदभाव कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भी दशकों से पूरे पूर्वी भारत के साथ किया है। ओडिशा गरीब नहीं है, ओडिशा के लोगों में सामर्थ्य की कमी नहीं है। यहाँ संपदा भी है, संसाधन भी है और संकल्प को पूरा करने वाली ये मेरे उड़ीसा की जनता जनार्दन भी है। अगर यहाँ कुछ नहीं रहा है तो वो है सही नीति नहीं है और सही नियत नहीं है। बीजेडी की नियत सही होती तो किसानों को उनकी उपज की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलता जो चौकीदार ने तय किया है। अगर बीजेडी की नियत सही होती तो यहां के करीब 50 लाख किसानों को जो हजारों करोड़ रुपए सीधे खाते में आने थे उसको रोका नहीं जाता। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के सोनपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार? आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार? साथियों, 2014 में ओडिशा ने भरपूर समर्थन दिया। मैं एक बार फिर इतनी गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में आप आए और मेरी जहां नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं, और वहां हेलीपैड के पास हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं वो अलग है। मैं एक बार फिर आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाजपा के हर उम्मीदवार को दिया गया वोट देश को मजबूत करेगा, उड़ीसा को मजबूत करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब मतदान करने जाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, वो कमल आपका वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला है, सीधा मोदी के पास जाने वाला है। आप मुझे बताइए, आप इस चौकीदार को मजबूत करेंगे, इस चौकीदार के साथ खड़े रहेंगे, पूरा उड़ीसा खड़ा रहेगा, कितनी ही गर्मी होगी तो भी वोट डालने जाएंगे, सुबह सुबह जाएंगे, पहले जलपान करेंगे कि पहले मतदान करेंगे? मतदान करेंगे, मन में तय करिए, पहले मतदान फिर जलपान। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी यात्रा में आकर के हमें जो आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये सोनपुर उड़ीसा से आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के बालोद में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी स्थापना दिवस पर गांधीनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बीते सप्ताह गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था, जिसमें एनडीए के कई शीर्ष नेता भी शामिल हुए थे। इसे एनडीए के शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा गया।
मशहूर अभिनेता और बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा आखिरकार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। बिहार के पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज से वो कांग्रेस परिवार के सदस्य हो गए हैं। कांग्रेस उन्हें पटना साहिब सीट से मैदान में उतार सकती है। बीजेपी ने सीट से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है। या देश को स्वतंत्र करने में सबसे बड़ा योगदान और बलिदान अगर किसी पार्टी का रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि परहैप्स होली एंड सोली अगर कोई पार्टी रिस्पॉन्सिबल है इस श्रेय के लिए तो है भी हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी। हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी यानी अभी से हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी है। हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी हमारा अपना परिवार है और मैं इस परिवार के साथ आज जुड़ गया हूं और मैं समझता हूं ये से कोई कारण हमें कांग्रेस से नहीं मिलेगा ना कांग्रेस को मुझसे कोई मिलेगा कि हम सब एक ही पेज पे हैं। कदम से कदम मिलकर आगे चलेंगे और आगे बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी प्रमुख ने एनआरसी और नागरिकता बिल को केंद्र सरकार की ओर से दी गई लॉलीपॉप करार दिया है। कल असम में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी ने धुबरी में रैली की। उन्होंने एनआरसी और नागरिकता बिल के नियमों को साजिश करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए ये दो लुभावने कदम उठाए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त अनुज शर्मा और विधान नगर के पुलिस आयुक्त ज्ञानवंत सिंह को स्थानांतरित कर दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डीजी राजेश कुमार को कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है जबकि एडीजी और आईजीपी संचालन नटराजन रमेश बाबू को विधान नगर का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। आयोग ने विधान नगर के डीसी अवनु रविंद्रनाथ को बीरभूम का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है और थर्ड बटालियन के डीसी के पी श्री हरि पांडे को डायमंड हार्बर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। आयोग के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना है और स्थानांतरित अधिकारियों के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट अगले 24 घंटों के भीतर भेजनी है। बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। विपक्षी दलों ने इन तबादलों का स्वागत किया है। वहीं आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल चंद्र पुनेठा को पद से हटा दिया है और उनकी जगह 1983 बैच के आईएएस अधिकारी एलवी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। साथ ही चुनाव आयोग ने पुनेठा को चुनाव से नहीं जुड़े पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया। वो मई के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पुनेठा ने 27 मार्च को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत खुफिया विभाग के महानिदेशक एबी वेंकटेश्वर राव का तबादला करने का आदेश दिया गया था। वहीं उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार उनकी याचिका खारिज कर दी थी। आज चुनाव स्पेशल की भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित आरएसपुरा सेक्टर का सुचेतगढ़ गांव। सीमा पर तनाव होने की वजह से यहां के रिहायशी इलाकों में भी पाकिस्तान की तरफ से अकारण गोलीबारी होती रहती है। लोकसभा चुनाव में सीमावर्ती इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा शांति का है। इस इलाके का दौरा किया हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान ने। हम लोग इस वक्त भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खड़े हुए हैं और ये रघुनाथ मंदिर है जो सुचेतगढ़ गांव और आर एस पुरा रणवीर सिंहपुरा सेक्टर के तहत आता है। ठीक मेरे पीछे आप अगर देख पा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय है वो ठीक मेरे पीछे है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि इस इलाके के सुचेतगढ़ के हैं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। वहाँ पर वो लोग रहते हैं और उनका जीवन किस तरीके का है उससे हम लोग बात करेंगे। लगातार यहाँ पर शेलिंग्स होती है, कई बार गोलाबारी भी होती है। आपका गाँव के बीच से सीमा रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान की वो निकलती है, तो किस तरह की तकलीफें हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सर, जो हमारा आपने देखा जैसे गांव बिल्कुल सीमा के नज़दीक है, कम से कम कोई 200 मीटर की दूरी पे है, कोई 500 मीटर की दूरी पे है। जब जब फायरिंग होती है तो सर बहुत दिक्कत आती है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सरकार हमारे नियम मतलब कुछ ठोस कदम उठाए। जैसे पहले लोगों ने ये मसला उठाया था कि हमें पाँच पाँच मरले की जगह दी जाए,
बट वो ऐसा कुछ नहीं हो सका। लंबे अरसे से आप भी सीमा पर रहते हैं, जब तनाव होता है तो जीवन में किस तरीके से बदल जाता है? जीवन तंगी तो होती है, फौज उठाती है घर में, चलो वापस चले जाओ, तो हम जाते ही नहीं, कहाँ जाएंगे? पीछे जो सरकार ने पहले लॉन्च किया था, हम 5-5 मरले जगह देंगे, अपने मकान पीछे बना देंगे, वो तो सरकार ने मानी ही नहीं। जब इलेक्शन आती है वही मुद्दा उठाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि शांति की बहाली की जाए, जो भी सरकार आए वो सबसे पहले कदम उठाए कि किस तरीके से इस इलाके में शांति बहाल हो।